बिंदुओं पर कल चर्चा की थी, समझा था, और हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, हमने ये समझा था कि आवर्त गति कौन सी होती है और आवर्त गति कौन सी नहीं होती, दोलन कौन सी होती है और दोलन कौन सी नहीं होती। हमने ये सीखा था कि आवर्त गति के अंदर ही दोलन वाला भी आएगा और दोलन नहीं करता वो भी आएगा, है ना। तो इन सब बिंदुओं पे हमने बात की थी। तो आज जो हमारा एक्चुअल में सिलेबस में जो पार्ट है SHM, तो SHM के पहले जो पढ़ना था, ठीक है, वो सारे बिंदुओं पे हमने बात की। हमने आवर्त काल के बारे में बात की, हमने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, हमने उनके यूनिट देखे, उनकी इकाई जो कहते हैं आप हिंदी में वो देखी, और हमने टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालना भी सीखा कल। तो ये सब चर्चा हमारे कल के टॉपिक में, कल के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से विस्तार से इन पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे SHM के बारे में। तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, सेशन अब स्टार्ट करें, समय